ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर दाऊदपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने हैंड वॉश करके उपस्थित बच्चों को स्वच्छता का शपथ दिलाया। इस अवसर पर इंजीनियर पी के मल ने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने भी हमें सिखा दिया कि यदि हम स्वच्छता का पालन करते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने कहा, बाल अवस्था से ही बच्चों को स्वच्छता के संबंध में बताते हुए उन्हें आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन कर उनमें स्वच्छता के गुणों का विकास करना होगा। उन्होंने बच्चों के गार्जियन को स्वच्छता बनाए रखने के लिए साबुन एवं मॉर्टीन मच्छर अगरबत्ती का वितरण किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर की प्राचार्या इंद्रावती सिंह, गरिमा सिंह, राधेश्याम यादव सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल तथा पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, अपने आप बच्चे करेंगे। इसी बात के साथ चूंकि आगे भी कार्यक्रम है, गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा कार्यक्रम है, मुझे वहां भी जाना है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आज विजयादशमी का पर्व आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभकामनाएं इसकी। बोलिए भारत माता के, माता के वंदे, वंदे, वंदे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आज भी हम लोग एक स्वच्छता शपथ लेंगे। मैं स्वच्छता सैनिक के रूप में शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि अपने हाथों को साफ सुथरा रखूंगा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत पारिवारिक पारिवारिक संस्थागत संस्थागत एवं एवं सामाजिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर निर्माण में अपना योगदान करूंगा, अपना योगदान करूंगा। धन्यवाद। हमारा जो लोटस हैंड वॉश है उसको हम चाहेंगे कि आज विधिवत उद्घाटन किया जाए। स्कूल में हैंड वॉश ये ऑन कर दिए, अब यहाँ से ये आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और सभी बच्चे स्वस्थ रहें, जब स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी वो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में मन लगे उसके लिए जरूरी है उनका स्वच्छ रहना, और इस स्वच्छता का संदेश ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भारत में भी इस प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में आज इसको कार्यक्रम को सामाजिक संगठन ने आयोजित किया है, और इस अवसर पे बच्चों को हम लोगों ने स्वच्छता का संदेश दिया है। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय आज का दिन है कि आज का दिन हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। देखा जाए तो कोरोना में भी हैंड वॉश का अहम भूमिका रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि कोरोना के पूर्व भी इसका महत्व रहा, लेकिन कोरोना में विशेष महत्व रहा है, क्योंकि पहले तो हम लोग संदेश ये देते रहे हैं कि खाना खाने के पहले और शौचालय के बाद और खेलने के बाद बच्चे हाथ जरूर धुलें, और कोरोना में तो हर पल, क्योंकि इस बीमारी का दीवारों पे कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थल पे गलती से अगर हाथ चला जाता है तो भी गंदगी उसके हाथों में आ जाती है, कोरोना की बीमारी आती है, उसे दूर करने के लिए अति आवश्यकता कि हर आधे घंटे पे हाथ धुलें और मुंह छूने के पहले हाथ अवश्य धुलें। आज बच्चों को शपथ दिलाया गया, क्या उद्देश्य? पब्लिक स्कूल दाऊदपुर में यहाँ के बच्चों को एक उचित स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। आज के दिन विश्व
हैंड वॉश डे के दिन में प्लान इंडिया के तत्वाधान में आयोजित आज इस कार्यक्रम में मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आयोजक मंडल का कि इतने अच्छे दिवस के दिन आज दशहरा भी है, लोग आज इस पर्व को बहुत अच्छे से सत्य पे सत्य की विजय है असत्य पर, अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक ये पर्व ये दिखाता है कि हम स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना जरूरी है और स्वच्छ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ के इस राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए आज पूरा विश्व मना रहा है और ये कितनी खुशी की बात है आज ही के दिन भारत के मिसाइल मैन जो एक गरीब घर के बालक होते हुए भी उन्होंने एक लक्ष्य रखा, हमें राष्ट्र का नाम रोशन करना है, एक इतने बड़े साइंटिस्ट शिक्षक और राष्ट्रपति आज विश्व भी उनका जन्मदिन मना रहा है। आज मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ें, राष्ट्र का नाम रोशन करें और कीर्तिमान हासिल करें। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने इतने अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पे आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं, हमारी शुभकामना आज के दिवस की, आज के दशहरे की, बहुत बहुत धन्यवाद।